सर आज जेपीसी की दूसरी बैठक है, क्या कुछ कहा? देखिए, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक्लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे, और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख्वातीन की महिलाओं के बच्चों के लिए उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है, ऑल इंडिया सुन्नी जमेतुल मुंबई की एक संस्था है तंजीम, उसको बुलाया है, और एक ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज का है एक्स एमपी हैं अदीब साहब, उनको बुलाया है, और दो हमने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया है और राजस्थान के भी वक्फ बोर्ड को बुलाया है। तो इस तरह से ये तो एक सिलसिला शुरू है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे, और एक सभी मेंबर से मिल करके एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरीन है। तो आधा दर्जन लगभग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।